गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी मैं हूं भारत के केरल राज्य में, तो मैं अभी पहुंचा हूं केरल के एलेप्पी शहर में। एलेप्पी जो है वो अपनी बोट हाउस के लिए जाना जाता है। पीछे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बोट यहां पे लगी हुई हैं। तो ये यहां पे बोट हैं जो बैक वाटर में चलती हैं, जिसका आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो आज हमने भी एक बोट मतलब यहाँ पर बुक की है, जो पूरी बोट हमारे लिए रहेगी, उसमें रहना खाना सब कुछ रहेगा। तो अभी लगभग 12 बजे हैं, बोट पे जाने वाला हूँ और कल 9 बजे तक रहेगी। सुबह 9 बजे तक मैं इसी बोट पे रहूँगा। चलिए चलते हैं बोट पे। ये हम अभी आ गए बोट के अंदर और यहाँ पे ये सोफा वगैरह पड़े हुए हैं बैठने के लिए। हमारा जो वेलकम होता है वो इस ड्रिंक के साथ होता है, इसको वेलकम ड्रिंक बोलते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ये अमरूद का जूस है। अभी बोट हमारी चली नहीं है, थोड़ी देर में ये बोट यहाँ से चलेगी और पूरा हमें घुमाते हुए ले जाएगी आगे की तरफ। मतलब अपने भारत में दो जगह पे इस तरह के बोट हाउस होते हैं, पहला श्रीनगर और दूसरा यहाँ केरल के एलेप्पी में। क्या नाम है आपका? प्रताप। प्रताप, हाँ, बोट को आप ही चलाएंगे? अभी चले, ड्राइवर के सामान लेके। अन्ना को ना थोड़ा हिंदी कम समझ में आता है, ड्राइवर को लेके अभी आ रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से आप लोगों को बोट दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ से ये पूरा जाने का है। इस बोट के अंदर अकेला मैं रहूंगा ना, ओनली मैं, और कोई नहीं आएगा? ठीक है, इस बोट के अंदर पूरा मैं रहूंगा कल सुबह 9 बजे तक। तो यहाँ से जैसे ही आप एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ, और जैसे ही आप आगे की तरफ जाते हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, यानी इसकी एक मंजिल ऊपर भी है। ये है रूम, बिल्कुल एक होटल की तरह रूम है। इस तरह का रूम है जिसमें एसी लगी हुई है, फैन भी है ऊपर, और ये यहाँ पे एक बेड है, ये इसका वॉशरूम है, कुछ इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। ये जो लगेज मेरे ऊपर लदा हुआ है, काफी वेट है इसके अंदर, पहले इसको रख देता हूँ, उसके बाद फिर आराम से मिलते हैं। 1:47 हुई है और अब जाके हमारी नाव स्टार्ट हुई है। ये देखिए यहाँ पे और भी कई सारी नाव खड़ी हुई हैं। अच्छा, ये पार्किंग है क्या नाव का? इधर पार्किंग, पार्किंग। कितना किलोमीटर हम लोग घूमने वाले हैं? कितना? 20 किलोमीटर। अच्छा, मॉर्निंग में ना, हाँ, शॉर्टकट है। अच्छा, वो 2-3 किलोमीटर में आ जाएगा। अना, ये जो बैक वाटर होता है, बैक वाटर का मतलब क्या होता है? बैक वाटर का मतलब सी और कनाल मिक्सिंग है। मीठा वाटर है ये? मीठा वाटर है, मीठा है, उसका सीट नहीं है, ये नहीं है। वो जैसे अपना एक होता है ना, समुद्र का पानी होता है खारा, लेकिन ये मीठा है। हाँ, मीठा भाई, ये मीठा पानी। नाव अभी चलने लगी है और शायद आप लोगों को हवा बहुत ज्यादा लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हवा का जो फ्लो है काफी तेज है। ये ऊपर ना, ऊपर भी मैं बैठ सकता हूँ। क्या इसका चार्ज मुझे पड़ा है ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, और आप लोग कैसे बुक कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों को एक टिप भी दूंगा जिससे आप मेरे से भी सस्ते बुक कर सकते हैं, मुझे ही थोड़ी महंगी पड़ी है। ये जो नज़ारे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको केरल में ही देखने को मिलेंगे, और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। वो लेक उधर जाता है ना, वो आदमी रहता है उधर में, खेती एरिया है, चारों तरफ आदमी रहता है। ये चारों तरफ आदमी है? हाँ, अभी हम उस साइड जा रहे हैं जहाँ पे इनका खेती है। खेती है इनका, वो साइड में वो आदमी रहता है ना ऐसा। हाँ हाँ, वो बीच में खेती रहता है। अच्छा, बीच में इनका खेती रहता है, राइस का? हाँ, राइस का, राइस। वो वाला भी ऐसा है, बीच बीच में खेती है। खेती हो गया अभी, पानी चढ़ा के रखता है। और खेती हो गया? हो गया अभी। वो जो राइस का फसल था कट गया? कट गया, इसका पानी चढ़ा के रखा है। उधर चलेंगे हम लोग? हाँ, उधर ही जाता है। अच्छा, अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं जहाँ पे इन लोगों का खेत है ना। और राजा के टाइम में वो एक संग खेर के खेती बनाया। अच्छा, लेक, ये जो लेक है ये राजा के टाइम में बनाया? नहीं नहीं, वो लेक पुराना ऐसा है। हाँ, अभी वो खेर के रखा है ना, वो राजा के टाइम में बनाया। यहाँ पे कौन राजा हुआ पहला? पहले राजा चित्र तिरुनाल महाराजा। लास्ट राजा कौन हुआ? वही है लास्ट वही है।
बात करते करते पता लगा कि अंकल मेरे यहाँ पे भी गए हैं। अंकल आप यूपी में किधर गए हैं? अलीगढ़ है। अलीगढ़ में एक पावर हाउस है, नरोरा पावर हाउस, वहाँ पे अंकल ने काम किया है, बता रहे हैं। अच्छा लगता है यार, नई जगह जाते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, यही लोग सहारा है हमारे। आप लोगों को एक बात नहीं बताई मैंने इस राइड में, मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, हम दो लोग थे, सत्येंद्र मेरे साथ था, सत्येंद्र रोतबा, उसका कुछ घर पे ज़रूरी काम आ गया था, इस वजह से वो घर पे रिटर्न चला गया, और मैंने कहा मैं इस ट्रिप को पूरा करके आता हूँ, क्योंकि इस ट्रिप पे आने के लिए हमने लगभग 45 घंटे का सफ़र किया था, फिर हम पहुँचे थे केरला। उसको थोड़ा काम था तो वो चला गया, मैं अभी इस ट्रिप को पूरा करके ही जाऊँगा। अभी यहाँ पे बोट रुक गई है और तीन बज चुके हैं, तो खाना पीना खाएंगे यहाँ पे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे देखो ये बांधा गया है, इस साइड में बता रहे हैं ये पूरा लैंड है, ये यहाँ पे चावल का खेती होता है ना अन्ना, इधर पूरा, हाँ चावल का पूरा खेती होता है, अभी नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक दीवार लगी हुई है इस तरह की, इस साइड में भी और दूसरी साइड में भी, उस साइड तो उसके उस साइड में भी वहाँ पे पूरा खेती होती है और यहाँ पे भी खेती होती है इस साइड में। इधर अन्ना बोले हैं कि ज़्यादा उधर नहीं जाना, उधर स्नेक रहता है, इस साइड में ज़्यादातर स्नेक हैं बता रहे हैं। ये पूरा झाड़ है और इस झाड़ में इधर कहीं पे भी स्नेक मिल सकता है, तो अपना देख के रहना और ऊपर आ जाओ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और खाना खाते। खाना अभी लग चुका है, एक के हिसाब से तो ये खाना बहुत ज़्यादा है। ये इसमें दाल है, ये इसमें राइस है, ये भिंडी है, और ये क्या अन्ना? बिग बीन्स। बिग बीन्स। ये खाना देखा जाए तो दो से तीन बंदे खाएंगे इसको। चपाती है क्या? शाम को मिलेगा, अभी चावल खाना पड़ेगा। चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों खाना मैंने खा लिया है और खाने का जो स्वाद था ना, शायद केरल में आने के बाद मुझे सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना आज खाने को मिला है, बहुत ही अच्छा खाना था, बिल्कुल घर जैसा फील हुआ। तो अभी खाना पीना खा के मैं रेडी हो गया हूँ और वो लोग पीछे खाना खा रहे हैं, अपना खाना वो खा लें, फिर उसके बाद यहाँ से हमारी जो बोट है वो निकलेगी। मतलब मैं अकेला हूँ, बाद बाकी मुझे मैनेज करने के लिए तीन लोग और हैं, सामने पूरा समुद्र को देखते हुए। अच्छा अन्ना, पीछे कितने लोग और हैं? तीन है। तीन लोग हैं आप? तीन लोग हो? तीन लोग हैं, मतलब मुझे संभालने के लिए तीन लोग हैं ना आप? तीन लोग और हैं अकेले को संभालने के लिए। नाव अभी यहाँ से चलने लगी है, चलिए ऊपर दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने बोला था ना ऊपर भी है ये फ्लोर, तो ये इसकी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ऊपर चलेंगे। ये देखिए, मतलब मैं नीचे ही इतना अच्छा मेरे को लग रहा था कि ऊपर का मैं बिल्कुल भूल गया, तो अभी ऊपर आया हूँ। यहाँ पे भी बैठने के लिए ये देखो ये चेयर वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है इस तरह की, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप। शाम के 4:26 हुए हैं, एक बार टाइम दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को दिख रहा हूँ। और हम मतलब रिटर्न जा रहे हैं दूसरी साइड घूमते हुए, ऐसे करके ये लोग आए हैं और ऐसे घुमाते हुए दूसरी साइड लेते हुए आज ये हमारी ये जो बोट है ये दूसरे वाले किनारे पे रुकेगी। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा इस तरह का आगे है। 4:30 है अभी और हमारे लिए चाय आ गई है। इन्होंने पूछा था कि चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो मैंने कहा मैं चाय पीऊँगा। चाय आई है और चाय के साथ में ये देखिए, ये मैंने पूछा किसका है तो कह रहे थे ये ऑनियन यानी प्याज का बना हुआ है और ये चाय है। इन नज़ारों के साथ में ही खाना चाय नाश्ता सब कुछ मिल रहा है, तो बहुत ही आनंद। अभी बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, लगभग एक घंटे से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन फ्लाई कर रहा था मैं और वो सिग्नल छोड़ गया, ड्रोन अपना क्रैश हो गया है, मतलब वो इस झील के अंदर गया, ये झील के अंदर चला गया। हम पूरा ढूंढ के आए हैं, काफी दूर तक अन्ना गए थे ढूंढवाने के लिए। अभी नया ड्रोन लिया था मैंने, इससे पहले मेरा जो ड्रोन था वो खराब हो गया, DJI Mini 3 Pro था मेरे पास, तो वो खराब हो गया था। मैंने सोचा क्यों ना उसका एयरक्राफ्ट लिया था, ये रिमोट कंट्रोल वगैरह सब उसी का है, पुराने वाले का। पहले फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे फ्लाई किया था, अन्ना से पूछा था मतलब यहाँ फ्लाई करने कोई दिक्कत तो नहीं, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं उड़ा लो करके, सिग्नल छोड़ गया और उसके बाद फिर उसका सिग्नल आया ही नहीं। अभी हम उसको ढूंढने गए, एक तो ये नाव काफ़ी बड़ी है तो अन्ना ने कई बार इसको पीछे भी किया, लेकिन क्या कर सकते हैं, शायद नसीब में नहीं था, नहीं मिला। उसके बाद छोटी सी एक नाव से हम लोग गए थे, सारे लोगों ने बहुत मेहनत कराई और लोग सच्ची बहुत अच्छे हैं, मेरे से ज़्यादा तो ये दुखी हैं क्योंकि मेरा ड्रोन खो गया, उसकी वजह से मैं तो हूँ सर, लेकिन ये ज़्यादा बेचारे परेशान। चलिए अब क्या कर सकते हैं, जो है बारिश हो रही है। ये देखो
चलिए अब क्या कर सकते हैं, अभी तो इसी में रुकना होगा, सुबह तक रुकेंगे और जैसा भी होगा आगे का क्या प्लान रहता है सब देखेंगे। अभी 7 बज गए हैं और हमारी जो बोट है वो एक जगह पे रुक गई है, यानी सारी रात ये बोट यहीं पे रहेगी और सुबह यहाँ से निकलेगी 8:30। माइंड बार बार उसी चीज पे जा रहा है, ड्रोन के ऊपर, के जो ड्रोन क्रैश हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को निकालने के लिए थोड़ा, देखिए ये पूरा है ना झील के किनारे किनारे इस तरह का रास्ता है। वैसे तो अंधेरा हो गया है और बारिश भी पड़ रही है, मैं अकेला हूँ। चलते हैं थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं, अन्ना बताएं आगे मंदिर है तो मंदिर में चलते हैं दर्शन वगैरह करके फिर रिटर्न वापस आ जाऊंगा। 1 किलोमीटर बता रहे थे ऐसे करके जाना और पीछे वापस आ जाऊंगा। चलो अगर आप दिन में इधर पहुंचते हैं तो आराम से इधर घूम सकते हैं, मान लो 5 बजे अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आराम से पूरा एरिया आप लोग घूम सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये, एक गाँव जैसा एरिया है। जिस रास्ते से मैं अभी जा रहा हूँ ना, अगर आप लोग इसी रास्ते पे दिन में आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, चारों तरफ इधर और इधर कोकोनट ट्री है और बीच में से गांव वाला कच्चा रास्ता है। हो सकता है मैं एक काम करूंगा, कोशिश करूंगा सुबह जल्दी जगने की और उसके बाद आपको ये पूरा एरिया घुमाऊंगा सुबह एक बार, क्योंकि अभी तो रात हो गई है तो रात में तो नहीं घुमा सकता लेकिन दिन में आपको पूरा एरिया दिखाऊंगा मैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अभी सुबह हो चुकी है, मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और यहाँ पे हमारी नाव खड़ी हुई है। जैसे कि मैं रात में गया था तो अंधेरा हो गया था, मैंने कहा सुबह आके दिखाऊंगा, यहाँ के जो नज़ारे हैं काफ़ी खूबसूरत हैं, जहाँ पे मेरी बोट रुकी हुई है वहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं और आगे का जो रास्ता है जो गलियाँ हैं ना वो बहुत खूबसूरत हैं। नाव से थोड़ी सी दूरी पे आया हूँ और ये देखो यहाँ पे ये मंदिर है, इसके सहारे से ये रास्ता गया हुआ है इधर गाँव की तरफ, इधर चलते हैं। देखिए ये देखो दोनों तरफ कोकोनट ट्री है, नारियल के पेड़ हैं और बीच से रास्ता गया हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत कच्चा रास्ता और दोनों तरफ ट्री और कोकोनट को आपको दिखा दूं। देखो शायद इतने नज़दीक से मैंने कोकोनट आज पहली बार देखा है कि मैं पेड़ पे कोकोनट को टच कर रहा हूँ। ये देख लो यहाँ पे बिल्कुल कोकोनट को आप टच कर सकते हैं, इतने नीचे पे लगे हुए हैं ये नारियल, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यार। और ये जो रास्ता है ना, रास्ता वास्तव में बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो यहाँ पे जो धान की फसल लगी हुई थी ना खेतों में, इधर और इधर धान की फसल होती, पूरा ग्रीन होता और ये बीच का रास्ता बहुत खूबसूरत नजारा होता था। वाह, मंदिर में मैं अभी दर्शन करके आ गया हूँ, बहुत ही सुकून बहुत ही शांति मिली मुझे दर्शन करने के बाद। यहाँ पे ही काली माता का मंदिर है और एक चीज़ और बताऊँ मैं, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा है और ये जो मंदिर है ये काली माता का मंदिर है। अभी 8 बज चुके हैं, अन्ना आ गए हैं, गुड मॉर्निंग अन्ना। और अभी यहाँ से मतलब जो नाव है वो निकल चुकी है, सुबह का ब्रेकफास्ट लग चुका है जिसमें देखिए ये इडली है और सांभर, ये क्या है आमलेट, आमलेट ये आमलेट है, ये चटनी है, चटनी है। तो अभी 9 बज चुके हैं, वैसे तो बोल रहे थे कि आराम कर लो लेकिन आराम करने से भी क्या फायदा, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से, बस पकड़ूंगा दूसरी जगह जाना। अन्ना चलता हूँ मैं, ओके अन्ना, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। ओके और दूसरे अन्ना कहाँ गए, वो बाहर है, ड्राइवर बाहर है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारी बोटें लगी हुई है ना, ये तो अभी बाहर निकलने के लिए ए वाली बोट में होके जाना पड़ेगा। अब देखो तो साइड में देखा तो पूरा बोट है वो, मैं नाव से बाहर आ गया हूँ, अन्ना मेरे को यहाँ पे मिल गए हैं। तो हमारा जो सफ़र था अन्ना यहीं तक का था, कल आप लोगों के साथ रहे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, मेरा ड्रोन जब क्रैश हुआ था तो अन्ना ने बहुत मदद की थी ढूंढवाने में। अन्ना यहाँ तक कह रहे थे कि मैं नदी में कूद के ढूंढ लूँ, तो मैंने कहा आपको कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ड्रोन जो है वो ख़राब हो चुका है। चलिए बहुत अच्छा लगा अन्ना आपके साथ रह के, और अभी तक मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि ये जो मैंने बोट हायर की थी कितने में की थी, ये बोट मुझे पड़ी थी 6,500 में। अगर दो लोग रहेंगे अन्ना तो कितने में पड़ेगा, 7,500। और वैसे इसमें दो रूम है ना अपनी बोट में, दो रूम के 10,000, मतलब 10,000 में आप पूरी बोट को हायर कर सकते हैं, 4 लोग मिनिमम, 4 लोग मैक्सिमम, ज़्यादा लोग हो जाए तो ज़्यादा पैसा होता है।
तो बढ़ जाएगा। और ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है? फिनिशिंग पॉइंट। फिनिशिंग पॉइंट यहाँ पे फिनिश होता है और यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको फिनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ आके और वोट को हायर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप यहीं पे आके हायर करिए, क्योंकि वहाँ पे शायद अगर उधर करेंगे तो थोड़ा बहुत उधर भी देना पड़ जाएगा, इसलिए इधर आइए आपको सस्ता पड़ेगा। चलिए अन्ना चलते हैं, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ मिलके। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।